बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद जन्नत आप फैमिली में। कैसे हैं आप? अभी तो जन्नत आप फैमिली में सेल सेल में अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक फिट फाट, और उम्मीद करते हैं आप भी ठीक ठाक फिट फाट होंगे। हम ठीक अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन थक इंतहा के गए। क्यों? क्योंकि ये देखें जनाब, शॉपिंग इतनी ज्यादा, ढेरों ढेर आज की शॉपिंग, और इतने थक गए थे। और बाजार की तो इसलिए नहीं दिखा, हाँ बाजार के दिखाएंगे अगर आप कमेंट में बताएंगे कि आप जहाँ शॉपिंग करते हैं बाजार में, वो हमें बाजार दिखाएं। क्योंकि लाहौर में एक तो बाजार है नहीं, जो करीब का है, जो बहुत करीब है वो तो दो दफा दिखाया, जो उससे थोड़ा दूर है वो शायद दिखाया। और जो बहुत दूर है, जो बेसिकली जहाँ से हम ज्यादातर शॉपिंग करते हैं, तो वो हमने आज दिखाया। क्योंकि शादियों का सीजन है, इतना रश के ऐसे 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 हो रहे थे, तो धक्के इतने लग रहे थे कि वहां कैमरा लेके फिरना इम्पॉसिबल था। और जब कैमरा लेके सारे फिर बहस करनी, वहाँ बंदा सोच में पड़ जाता है, कपड़ों की सिलेक्शन करते, फिर प्राइस को पूरा करते हुए दुकानदार से। हमने कहा चले जी आज फैमिली के साथ शेयर करते हैं शॉपिंग, और उसके बाद अगर आप कहेंगे कमेंट में बताएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे अपना बाजार भी। तो चले स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, आज कंप्लीट व्लॉग इसलिए नहीं आ सका क्योंकि आज सारा दिन जन्नत और इशार की शॉपिंग ही नहीं खत्म हो रही थी, दिन गुजर गया वहीं पे। लिहाजा हमने कहा किया जाए आपके साथ शॉपिंग को शेयर, क्योंकि इस वजह से हमारा कंप्लीट व्लॉग नहीं आ सका, है ना। सिर्फ आपकी भी शॉपिंग हुई है ना? नहीं, आपकी भी हुई है। अच्छा, मेरी भी हुई है। चले देखते हैं जनाब, जनरल स्टार्ट आप करो, आप दिखा दो आज की शॉपिंग। मेला में कैसे देखा, आप ही दिखा रहे हैं, मुझसे नहीं सबको दिखा रहे हैं, मैं कहां से शुरू करूं? अच्छा जनाब, क्योंकि आए हैं जो हैंग में थे उनको हैंग में रखा, जो शॉपर में वो शॉपिंग में बैग में ही है, क्योंकि बताया थके इतने थे। हमने कहा पहले दिखा दे, उसके बाद फिर नेक्स्ट काम को शुरू करेंगे। तो ये देखें जनाब, ये है शाल का, ये इस किस्म के कपड़े ना लेने यकीन मने। ये देखे, ये है गाउन शाल का ऊपर इस तरह से, और शाल का फैमिली, और जैसे मम्मा गोन पहनती है ना वाइट जैसे, वैसे भी मेरा गोन है। ये शाल ने आके पहना, वैसे ही उल्टा कर दे, इसको सीधा कर दो। साथ में ये इसका जो है ये शर्ट है, ये देखे शाल ने खुद ही सेटिंग की है। ये देखे जनाब, दिखाओ भी आप, ये शर्ट है नीचे, इसके ऊपर गोन है, और ये साथ में ये वाला ट्राउजर शाल ने आते ही पहना, चेक की। और ये शाल का पसंदीदा दुपट्टा, शाल कहती है आप भी पहनते हो दुपट्टा, मैं भी पहना करूंगी। कहती है सूट हो ना हो दुपट्टा जरूर हो। और जो दुकान पे हम लोग गए थे ना, तो उधर ना बैग वाले थे ना, कोई कपड़े थे जिनसे बैग भी लगा था। एक कपड़ा था ना सूट था, तो उस पे परस भी था, उस पे परस भी था। अंकल कहते अपने पापा से पैसे लेते ना इस परस पे लगाने। वो इस तरह से कोई फैंसी सूट था ना, तो उसके साथ उन्होंने एक परस भी रखा हुआ था, लगाया हुआ था। आपको पता बच्ची इन चीजों से खुश होती है, वो पाउच सा देख के ना इसने कहा, वो अंकल कहते आप ले लो, सब पापा से पैसे लेके डाल। मैं कहा अंकल कितने सियाने। और ये एक शाल का है जनाब। अच्छा, अब कौन सा किस दिन पहना है वो आप बताइएगा, हम सिर्फ बताई जाएंगे। ये शाल का, ये जन्नत का, ये मामा का, ये भाई का, पापा का। अब कौन किस दिन क्या पहनेगा ये आप बताइएगा। भाई पापा का अभी नहीं, हम आपको कहीं मतलब अभी बहुत सारे हो रहे हैं। और फैमिली ये इतना लंबा, खड़े होके दिखाओ, खड़े होके ऐसे, ये शाल का इस तरह से, ये भी बहुत लंबा है, ये बैक से दिखाओ, ये ये शाल का इतना लंबा कैसे से पहने नहीं जाएगा, ये सारी सफाई करते जाएगा बल्कि सब बढ़ सब बढ़ सब बढ़। ये शाल का लहंगा बहुत फेवरेट है, चुपता भी नहीं है, चुपता भी नहीं है, क्योंकि फैमिली से नीचे कपड़े ना। ये सबसे प्यारा, सारे मुझे प्यार कहेंगे क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें दिया, पापा से पैसे खत्म कर दिए। मैंने लहंगा लिया था शाल का, मैंने भी लहंगा लेना। अब तो शाल हो गए, तो फैमिली मैं पापा से पैसे खत्म कर दूंगा, साड़ियां और सारे कपड़े ले लेंगे। बार बार आपको पता है हैंग करना बड़ा मुश्किल है, फिर ये सब टैची में शिफ्ट करने, इसलिए मैंने कहा चले इसको ऐसे रखते हैं। ये जन्नत का है, और इसके साथ ये वाला प्लाजो है, पता नहीं इसे प्लाजो कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई ट्राउजर कहता है, कोई कुछ कहता है, सबका अपनी अपनी स्टाइल। ये जन्नत का ये हो गया। अच्छा, एक ये जन्नत का कैजुअल है, जो कि जन्नत के, क्योंकि आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, तो ये मैंने इसकी मैक्सी सी है, इस तरह से लॉन्ग सी। एक ये है,
प्यारी है ना ये, मुझे जो कैजुअल कपड़े हैं ना सबसे ज्यादा प्यारी ये लगी है मैं जरूर चाहना किसने पापा के पैसे जाया किया और किसने अच्छे सूट लिए हैं, किसने पापा के पैसे जाया किए और किसने अच्छे सूट लिए हैं। और अब मेरा फेवरेट जिसके पीछे हम लोग पूरा बाजार फिरे और पापा को एंड में गुस्सा चढ़ गया वो ये है खैर ये हमने इतने मुश्किल से ढूंढा ना, इतने मुश्किल से आपको बता नहीं सकती। हर दुकान पर जाते तुम कहते थे ऐसे शीशे वाले ही लेना ये फैमिली, कभी आपने इस शीशे तो हार नहीं लगाना मैं तो आपका यहाँ से कट हट और इसके ऊपर मैंने ये इसके ऊपर अभी ये स्टिच करवानी है और लैसे लगवाऊंगी तो कितनी प्यारी लगे कितनी प्यारी लगे अभी। अच्छा जी और ये किस तरह से लिया है ओपन कपड़ा इसके साथ ये इसके साथ अभी ये स्टिच होना है ये वाला ये इसका और इसका कंट्रास्ट है मैंने कि मुझे क्या बनेगा कुर्ता बनेगा अंदरखा स्टाइल क्या बनेगा वो बाद में मुझे बहुत जल्दी से दिखा दे क्योंकि किसी ने अपने स्टिच करवाया है ये नहीं है ये तो वाला है एक्स्ट्रा पीस है बहुत है ये पता नहीं आपने दिखाया था पहले फैमिली में। ये देखिए ये भी है एक ये भी मेरी मैक्सी टाइप है ये मेरी फैंसी थोड़ी मैक्सी है ये मैं वलीमे पे पहनने का सोच रही हूँ तो फैमिली हमारी बताएगी ना हाँ। किसी ने क्या पहनेंगे ये जन्नत का हो गया और ये जब पीछे सारा ढेर लगा ये तुम्हारे ही है यार अरे मम्मा की बारी अब मम्मा की बारी जना ये दुपट्टा भी इसकी लैस फिर रह गई है सूट हो गया स्टिच लेकिन लेस अभी नहीं आई तो मेरे कहाँ पे आपको पता चल रहा है ये खिचड़ी में ये जरा इसको सीधा करो सीधा मम्मा भी उल्टा कर दी ये देखिए ये आपने देखा है मेरी फैमिली ये सबसे प्यारा दुपट्टा नहीं ये उस दिन मैं आपको दिखा रही थी ना पिछली वीडियो में ये टसल लगवाया इस तरह से ये शर्ट है और मम्मा के कुछ कपड़े मैंने खुद अभी देखे हैं जो कि मैं स्कूल जाती हूँ और फिर कल शॉपिंग करने चली गई इसलिए जब सिलाई हो क्या है मैं मम्मा का भी था दिखा दे मम्मा कहते हैं इकट्ठे देखेंगे जब वीडियो बनाएंगे ये ट्राउजर के साथ ये ट्राउजर शर्ट और ये दुपट्टा जिसके भी लेस रहती है और ये मम्मा की फ्रॉक फ्रॉक और इसके साथ में जो दुपट्टा लेने गए थे दुपट्टा जो लिया वो कहाँ है फैमिली मम्मा ने पहना सारे मम्मा के ऊपर फूल आप ये इसका दुपट्टा पता नहीं अब वो है बहुत प्यारा कहाँ रखा है ये ऊपर ही लगता है ये वो अभी से जी ये मेरा सेकंड जनाब ये शर्ट ये ट्राउजर और साथ में ये जनाब दुपट्टा फैमिली अब पहन के कैसा लगेगा ये तो जिस दिन पहनेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे ये इसके साथ दुपट्टा ठीक है जरा ऐसे करो ऐसे करो विशाल पता कल क्या कह रही थी विशाल कह रही थी मम्मा ऐसे ले लें ऐसे ठीक है नहीं ऐसे नहीं ऐसे 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 ले लेंगे ऐसे ठीक है ना ऐसे ठीक है दूल्हन माँ एक ही काफी है देखा वो कुछ इशान ने कहा मेरा खराब ना हो जाए फटाफट ले गई है ऊपर इसने कहा सेफ में रख ले ये भी था ये भी था और फैमिली मैम ने जो पहना मैं कौन सा सूट अच्छा ये पर्पल थे वो अरे ये भी मम्मा कर सकता है ये इसके साथ है ये मेरा फ्रॉक इसका जो बेसिकली दुपट्टा था ना वो था जनाब बहुत ही छोटा वो आपको पता रेडीमेड सूटों के वो इतने इतने तो रखे होते हैं अब जनाब हम अभी इतने मॉडर्न तो है नहीं सब एक जैसे तो नहीं ड्रेसिंग करते तो उसका दुपट्टा बहुत ही छोटा सा बिल्कुल था मुझे वो पसंद भी नहीं था तो मैंने कहा ये मैंने इसके साथ मैचिंग की है कैसी है जबरदस्त है ये देखिए ये मेरी बेटी हर वक्त मम्मा को दूल्हा के चक्कर बन गई मम्मा दूल्हा वो देखे मेरा दूल्हा कैमरा मैन भाई मेरा दूल्हा दिखाए भाई मेरा दूल्हा कहाँ है ये फैमिली एक मैम ने जरूर पहना
मैं साड़ी पे अच्छी लगूंगी या डिनर अच्छी लगी या पे या डिनर। तो जनाब ये थी शॉपिंग, लेकिन कंप्लीट नहीं है, जूते कहाँ गए? ये जूते मिस हो गए, ये कपड़े भी अभी जो है ना सही पूछे तो वही बात, अब जब रेडी हो जाएंगे कंप्लीट करके रखेंगे। अभी देखा ना जैसे अब ये सूट ऊपर है क्या, कोई कुछ कहीं पे पड़ा है मिस हो जाता है, ये मेरे है, इसलिए जनाब जब ये कंप्लीट हो गए रेडी होके आपको पे दिखाएंगे। अब जूते देख लें जनाब, विशाल दिखा रही है ये किस किस के साथ है ये भी तो दिखाएं। ये देखो आप, मैंने अभी फुल मैचिंग किया, मेरी वो ज्वेलरी भी तो थी। खाने लगी उसमें रोना मत, रोना मत। ये किसके साथ है पता नहीं, जब पहनेंगे तो फिर दिखाएंगे शायद जन्नत वाली बात, मुंह से पांव तक ये शाल का खुशा, क्या कहती है शाल? खुशा खुशा ही कहती है ना, खुसरा नहीं। ऐसे लग रहा है ना ये डूला था जूते, क्यों तो वो इस तरह से ऐसे हुआ दूल्हे का। और ना इसके साथ ना हम, और इसके साथ ही मेरे पंपी है, और ये ला पंपी, इसके साथ ही मेरे पंपी हो गई। और यकीन माने आज पापा को पागल कर दिया, जो कह रही थी ना पापा को गुस्सा आ गया, अब गुस्सा ना आए तो क्या है, देखे कितना खर्चा करवाया और उसके बाद फिर कहीं पिन्ना पैसे तो कहीं ऐसे ऊपर अगर निकलो बाजार से इससे पहले कि मेरा बीपी हाई हो जाए। ठीक है जनाब, तो इंशाल्लाह और जो कुछ रह गया होगा, अभी ज्वेलरी भी रहती है, जनरल का मेकअप भी रहता है, पता नहीं क्या कुछ रहता है, तो सब करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, या कब जब रेडी हो जाएंगे या उस वक्त शेयर करेंगे। 10 दिन ही रह गया, हाँ थोड़े ही दिन रह गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बताइएगा जरूर कमेंट में कि कपड़े कैसे हैं, जबरदस्त है, कौन से दिन पहने जनाब। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में खूबसूरत से व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। बाकी कुछ नहीं, बाद में खेलेंगे शादी 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 शादी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।